चले के कोट लखपत जेल से सदर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को रिहा कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंजूर की गई थी और कुछ ही देर कबल उनकी रूपकार रिहाई की जारी हुई। रिहाई की रूपकार जैसे ही कोट लखपत जेल पहुंची तो ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। इस वक्त मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ उनकी रिहाई का परवाना जारी किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया था और तीन रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत 50-50 लाख के दो मुतलकों के वज़ मंजूर की थी। आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से दो 50-50 लाख के मुतलके लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवाए गए, जिसके बाद उनकी रिहाई की रूपकार जारी हुई और जैसे ही रिहाई की रूपकार कोट लखपत जेल हुक्काम को मौसूल हुई तो ज़रूरी कानूनी कार्रवाइयों को मुकम्मल करते हुए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को रिहा कर दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, अली साही ने हमें ज्वाइन किया है। अली साही बताइए, गारूबकार जारी होने के साथ ही रिहाई अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल में कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद रिहाई के कागजात पर सुपरिटेंडेंट जेल ने दस्तखत कर दिए हैं और अब उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ उनको लेने के लिए पहुंचे हैं। उनकी जाती गाड़ियां भी कोट लखपत जेल में मौजूद हैं और अभी कुछ ही देर में इनका जो तमाम सामान है वो गाड़ियों में मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि फैमिली के हमरा ये कोट लखपत जेल से कुछ ही देर में बाहर निकलेंगे, जहां पर कारकुनान की बड़ी तादाद फूल लेकर जेल के बाहर मौजूद है। हालांकि क़यादत की जानिब से मना किया गया था कि शहबाज शरीफ की इस्तकबाल के लिए ना पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद उनके जियाले जो हैं वो कोट लखपत जेल के बाहर फूलों के साथ मौजूद हैं, जो कि अपने लीडर का इस्तकबाल करेंगे। मियां शहबाज शरीफ को गुज़श्ता रोज़ अदालत की जानिब से जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी किए गए थे और आज कुछ ही देर कबल यहाँ पे रोक कर पहुंची है, जिस पर जेल हुकाम की जानिब से अमल दरामद करके उनकी रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए। रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अली साही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमजा शहबाज और खानदान के दीगर अफराद, इसके साथ साथ लीगी रहनुमा इस वक्त कोट लखपत जेल में मौजूद हैं और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को रिहा कर दिया गया है। कुछ ही देर में वो अपने रिहाइशगाह की जानिब रवाना हो जाएंगे। शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कारकुनान को कहा गया था कि कोट लखपत जेल ना पहुँचा जाए, लेकिन उसके बावजूद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए और अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए कारकुनान कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त राणा सनाउल्ला की जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई है। इस मौके पर उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूं कि पीएमएलएन के लिए ये दिन जो है ये बड़ा इस लिहाज से मुबारक है कि मियां शहबाज शरीफ की बेगुनाही जो है वो एक लार्जर बेंच से जो है वो हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से जो है वो सामने आई है और वो मनफी प्रोपेगंडा, इंतकाम के बदली प्रोपेगंडा जो है वो ज़मीन बोस हुआ है, जो पिछले 2.5-3 साल से जो है वो हो रहा था और इंशाल्लाह ताला वो बाहर आके अपना प्रॉपर सियासी लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल जो है वो अदा करेंगे और मुल्क को, मैं समझता हूँ इस वक्त उनकी बड़ी ज़रूरत थी और उनका बड़ा मौसर रूल जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो हम आगे देखें। सियासी एक्टिविटीज़ दोबारा से शुरू करेंगे और पीडीएम का जो होने जा रहा है।